बालू का ट्रैक शुरू करने वाले हैं हम। आज हम जाएंगे बालू का गेड़ा, यहाँ से ये हमारी रात को कैंप साइट थी, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे, देखते हैं कैसा ट्रैक है, कैसे हमें आज का वेदर ट्रीट करता है। अभी की बात करूँ तो मीठी मीठी धूप निकली हुई है और स्टार्ट करने लगे हम डे टू का ट्रैक, बने रही है हमारे साथ। सो दिस इज अनदर रिवर क्रॉसिंग गाइस, डे टू, 5 मिनट्स ऑफ ट्रैक एंड दिस रिवर क्रॉसिंग। ये हमारे अमरजीत जी आते हुए नदी को पार करके, एंड दिस गाय इज फ्रॉम तेलंगाना, नो सॉरी, ही इज फ्रॉम असम, ही इज वर्किंग इन असम टूरिज्म। कम, वेरी गुड। सी गाइस, जो ऊपर आपको टेंट दिख रहे हैं, दैट वाज आवर कैंप साइट, एंड 5 मिनट्स ऑफ ट्रैक के बाद ये आज की पहली रिवर क्रॉसिंग आई है। बड़े ध्यान से, सिर्फ एक पेड़ का तना है, इस पर आपको चलते हुए आना है। ये देखिए गाइस, अच्छे नज़ारे हैं गाइस इस ट्रैक पे। और ये जो सामने आपको दिख रहे हैं पहाड़, यहाँ हमें आज चल के जाना है। ये देखिए गाइस, दैट पीक ऑन द टॉप, दैट पीक, उसको पार करना है। 8 किलोमीटर चलना है आज, एज पर गाइड वी हैव टू वॉक ऑन डिफिकल्ट टेरेन टुडे। प्रॉपर इंक्लिनेशन आज गेन करेंगे हम 10,000 से 12,000 फीट का, और चढ़ाई है पूरे रास्ते में, कहीं कोई उतराई नहीं है। ये देखिए गाइस, ये हमारा ट्रूप आगे जाता हुआ, ये देखिए। और ये जो हमारे टेंट से ऊपर कल कैंप साइट दिख रही थी वो ये है, ये कैंप साइट ऊपर से दिख रही थी हमारे टेंट के, और वो देखिए वो ऊपर हमारी कैंप साइट है। Stay tuned for more. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ। सो गाइस, डे टू चल रहा है हमारे हमटा पास ट्रैक का, और टेरेन जो है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है, पथरीले रास्ते आ गए हैं, वो जो पहाड़ है वो हम पीछे छोड़ आए हैं, और ये जो झरने हैं, ये नदियां हैं, ये थ्रू आउट ट्रैक आपको मिलते रहेंगे, बहते रहेंगे। इनका भी टेक्सचर और ब्यूटी जो है वो चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये देखिए। और वो उस पीक पर आज हमें जाना है, दैट वन, इस वाली पीक पे जाना है, और ये रास्ता है गाइस जिस पे चल के हमें जाना है। ये मेरे को ट्रैकर्स आगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ग्रुप के साथ ये है कि आपको सारे ग्रुप को साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें कुछ जो कमज़ोर कड़ियां हैं वो भी साथ रहेंगी, और 4 गाइड लीड कर रहे हैं इस बार, क्योंकि ग्रुप साइज 45 से 53 हो गया। अब रात को और कुछ ट्रैकर्स जुड़े हमारे साथ, हमारे जहाँ पर हमारा पहला पड़ाव था। ये देखिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज़, और ये पथरीले रास्ते जिन पे आपको होकर जाना पड़ता है। टफ है अभी तक, कुछ कुछ करेरी लेक की याद दिलाता है, बट करेरी लेक में क्या होता है, थोड़ी देर बाद पथरीले रास्ते बंद हो जाते हैं और प्लेन रास्ते आ जाते हैं, बट यहाँ सुबह से अभी तक ऐसे ही रास्तों पर ट्रैक चल रहा है ये वाला। ये देखिए, वेरी चैलेंजिंग ट्रैक, नीड्स अफर्मेशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्किंग स्किल्स। बाकी नज़ारे आपको आगे जाके दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।
We don't climb the mountains so that world could see us. We climb the mountain so that we can see the world. Hey guys, तो आज के 8 किलोमीटर्स में से 2 किलोमीटर हमने अभी तक पार कर लिए हैं और ये जो नज़ारे हैं, सूरज अभी अभी मेरे सामने बादलों में छुप गया है, तो नहीं तो पूरा सनी था आज का डे। ये देखिए ऊपर, और ये जो सूरज छुपा है इस बादल के पीछे, उसके बाद यहाँ पर काली घटाएं अब छाने वाली हैं किसी भी समय। और काली घटाएं छाने का मतलब यही होता है कि बारिश कभी भी हो सकती है, और अगर बारिश होगी तो बर्फ कभी भी पड़ सकती है। अच्छा गाइस, ट्रैक चल रहा है अभी तक हमारा, बहुत बढ़िया ट्रैक चल रहा है ये, और बिल्कुल अकेले, शांतमय वातावरण, शांतमय माहौल, कोई चिक चिक, कोई झिक झिक, मोबाइल नहीं बज रहा हमारा 2 दिन से, विच इज़ द बिगेस्ट यू नो ब्रीदर, बिगेस्ट रिलीफ यू कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, आई विल कैच यू मोर, माय को ट्रैकर्स आर विद मी, सो आई कैन नॉट स्पीक मच बिकॉज आई एम अ वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन। एंड ये देखिए नज़ारे, इस ट्रैक की खूबसूरती, पल पल बदलता मौसम, जो सूरज अभी बादलों के पीछे था, ये देखिए वो बादलों से बाहर आ रहा है, और यही आँख मिचोली चल रही है इस ट्रैक पे, कभी सूरज आ जाता है, कभी सूरज छिप जाता है। अच्छा चल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया ट्रैक है। एलिवेशन गेन करेंगे आज हम 10,000 से 12,000 फीट पे, बालू का गेड़ा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन Day 2 ऑफ दिस ट्रैक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त काका वीरा, यो। Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. ये sunrise दिख रही है आपको guys, ये देखिए, wow। आइए चलते हैं आगे, मिलते हैं अपने बाकी co-trackers से, असम, तेलंगाना, सब यहाँ पर है, पूरा इंडिया यहाँ पर है। अच्छा लग रहा है, सभी दोस्त हैं, सभी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, और रेस्ट करते हुए, सांस लेते हुए आपको आगे बढ़ना होता है इस ट्रैक पे, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। यू हैव टू क्लाइम, यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया, छोड़ सारे झमेले, देख दुनिया के मेले। वाओ गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ये देखिए कितने नीचे ये एक पानी का वाटर बॉडी, वाओ बहुत नीचे गाइस ये, और हल्का सा पैर फिसला और आप सीधा नीचे। तो रिस्क मत लें पहाड़ों पे आके, आराम से डिसिप्लिन में चलें, अपने गाइड का पूरा डायरेक्शंस को फॉलो करें, यही टिप है काका वीरा की तरफ से, और बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए हम रुके हैं, ये मेरे साथ हैं अमरजीत। हाय अमरजीत, कैसा लग रहा है? मजा आ गया यार। ये हमारे गाइड संजय जी। संजय जी कहाँ से आप? कुल्लू से। आप? गोरखपुर से। हरीफ। हरीफ गोरखपुर से। प्रमोद गोरखपुर से। प्रमोद जी गोरखपुर। नीतीश गोरखपुर। नीतीश जी गोरखपुर। राकेश दिल्ली से। दिल्ली। फाल्गु असम से। फाल्गु असम। स्वप्निल भाई रायगढ़। रायगढ़। रोशन रायगढ़। रायगढ़। मुंबई। ये व्हाट्स योर नेम? ऋषि। तो गाइस आधा इंडिया यहाँ पर, आधा वो पीछे आ रहा है, देखो ये आधा इंडिया पीछे आ रहा है, आधा और पीछे आ रहा है, वो भी और पीछे है। बताइए मैं जी जी, क्या एक्सपीरियंस? मजा आ रहा है, बता रहे। और वो मजा आ रहा है, अभी जो पीछे चढ़ाई थी एक्सपीरियंस है भाई, जब हम वो चढ़े ना, चढ़ने वाला जो ऑफ रोड ऊपर को,
वो कभी नहीं किया, पहली बार किया है और आई थिंक इट इज अवर फर्स्ट ट्रैक या अहमदाबाद ही फर्स्ट ट्रैक। हाँ और बाकी क्या था? हाइकिंग्स। हाइकिंग हमारे गाइड ने हमें बताया कि आज तक तुमने सिर्फ डे हाइक्स किए हैं, हाइकिंग्स किए हैं, करेरी लेक, प्राशर लेक, त्रियुंड। कहते तो बच्चों वाले हैं, ये तो वन डे ट्रैक है, लेजर वॉक है। कहता असली ट्रैक ये है जो आप इस बार करने जा रहे हो, जिसका नाम है गाइस हमटा पास ट्रैक। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। और ये हमारे अमरजीत जी रिवर क्रॉसिंग करते हुए, बहुत ठंडा पानी, पैर को पैरों को एकदम जमाने वाला पानी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सर ऐसे ह्यूमन चेन बना के जैसा आपने देखा अभी, ऐसे आपको आना पड़ता है और ये रिवर क्रॉसिंग करनी पड़ती है। तो कर रहे हैं हम, दिस इज हमटा रिवर, कर रहे हैं हम हमटा पास ट्रैक, डे टू चल रहा है और हमारे दो गाइड आ रहे हैं। इनको किसी ह्यूमन चेन की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे कम ऑन डेली बेसिस। गाइस देखा भी आपने हमने कैसे रिवर क्रॉस की। सो दिस इज यू नो अ टिपिकल ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, टिपिकल ट्रैकिंग जिसे हम कह सकते हैं, बीच में पहाड़, नदियां, झरने, रिवर क्रॉसिंग्स, भेड़ों के झुंड, शेपर्ड्स, सब आपको देखने को मिलते हैं। और अब हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ पर हमें हमारा जो सुबह ही लंच आपको ये पैक लंच दे देते हैं वो वहाँ पर आपको खाना होता है। पीछे देखिए काले बादल आ गए हैं मेरे, और जस्ट रिवर क्रॉसिंग के सामने मैं इस समय बैठा हूँ। अब यहाँ पर हम अपने शूज़ पहनेंगे, थोड़ा पैरों के सूखने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज बर्फ़ से, ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा यह पानी रहता है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस फिर से स्टीप चढ़ाई यहाँ पर आ गई है, सांसें एक बार फिर से फूल रही हैं। लंच करने के बाद थोड़ा प्लेन एरिया आया था जो कि थोड़ा रिलीफ वाला एरिया था, बट अब फिर से ये चढ़ाई और फिर वो ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ जाना है, उसके उस पार हमारा आज का बेस कैंप रहेगा।
तो गाइस हम पहुंच गए हैं डे टू पे, हमारे जो बेस कैंप है वहाँ पे, और बारिश हो रही है इस समय यहाँ पे, और बर्फ़ किसी भी समय पड़ सकती है। द गुड पार्ट इज़ कि हम हल्की हल्की बारिश होते ही यहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए, ये सारा यहाँ का सेटअप है, ये किचन है सामने, और ये सामने वॉशरूम्स जो है टेम्परेरी बनाते हैं। ये देखिए, ये सामने नदी बह रही है इस तरफ, hey! So we have reached बालू का गेड़ा, इस जगह का नाम है बालू का गेड़ा। और जैसे हम यहाँ पहुंचे बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो ऊंची चोटियाँ हैं वो उस समय पूरी खाली थी, और वो पूरी स्नो से कवर हो चुकी हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कौन सी चोटियों की मैं बात कर रहा हूँ। बालू का गेड़ा ये कैंप साइट है, जो कि आज हम 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ से कल सुबह फिर हमने निकलना है हमटा पास के लिए, जो कि 6 किलोमीटर इंक्लाइन है ऊपर की तरफ और 3 किलोमीटर नीचे की तरफ। ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं हमारी कैंप साइट है ये। और बालू का गेड़ा में बारिश हो रही थी, 1 घंटा बारिश हुई है, और उस 1 घंटा बारिश का क्या रिजल्ट हुआ है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। बालू का घेरा ग्लोबल इवेंट्स हमारी ट्रैकिंग कंपनी का नाम है। और गाइस ये देखिए, जो बारिश हुई है और ये ऊपर की चोटियाँ पूरी बर्फ से ढक गई हैं। सी और कल का जो ट्रैक है गाइस, वो इन चोटियों के पार जाना है हमने। ये जो मैंने आपको भी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई, इनके उस पार जाना है। उस पार हमटा पास है, 6 किलोमीटर की चढ़ाई, फिर 3 किलोमीटर की उतराई। कल का जो स्टे हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है शिया घोड़ू में, जो कि 12,000 फीट पे है। आज 11 पे हैं, कल 12 में जाएंगे, मगर जो हमटा पास की हाइट है वो 14,000 फीट है। और अगर थोड़ी देर और बारिश हुई तो ये जितनी चोटियाँ आपको ब्राउन दिख रही हैं ये सब वाइट बर्फ से भर जाएंगी। सो वी आर लकी, कल हम जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगी ये सब बर्फ से ढक जाएंगी गाइस, जो अभी नहीं है। कैंप साइट है, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम बाहर आए हैं। अभी शाम को 4 बजे हमें चाय और मैगी यहाँ पर सर्व होने वाली है। अभी 3:30 बजे हैं, 2:30 बजे हम पहुँच गए थे सुबह चल के, 8:30 चले थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये साथ में एक नदी बह रही है, सी गाइस ब्यूटीफुल। सो गाइस रात हो गई है और बाहर टेम्परेचर है -10 डिग्रीज, और हम इस समय टेंट में हैं। अमरजीत जी कहाँ हो आप? हम हैं यहाँ पे, यहाँ हैं हम। यहाँ दिख नहीं रहे आप? आप दिखे भैया, हमारे साथ भाई साहब है। भाई साहब अपना नाम बता दो। मेरा नाम है दिव्यकांत। और कहाँ से आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से दिव्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं गाइस, मतलब आज की रात हमारे मेहमान है यहाँ पे। और रात हो गई है तो सोचा एक आखिरी आपको बाय बोल दें आज के लिए। मिलेंगे आपसे कल day 3 ऑफ द ट्रैक पे, और कल हम जाने वाले हैं हमटा पास 14,000 फीट पे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। गुड नाइट। गुड नाइट।